हेलो एंड वेलकम। आज मैं जावा में किस तरह से इनपुट लेते हैं वो दिखाने वाली हूँ। इसके लिए पहले ब्लू जे ओपन करते हैं। यहाँ पर एक न्यू क्लास लेते हैं, इनपुट, और अंडरस्कोर देके यूजर दे देते हैं इसका नाम। और उसके बाद ओपन एडिटर, तो यहाँ पर हम पहले इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक ये देते हैं। ये है कि इंपोर्ट करना पड़ता है जावा का इनपुट आउटपुट फाइल, तभी हम इनपुट ले सकते हैं। यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, और इसके बाद लिखना पड़ता है क्लोज IOE एक्सेप्शन, ये लिखना पड़ता है। और लिख के सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब हम इनपुट लेने के लिए इनपुट स्ट्रीम रीडर में एक वेरिएबल हमको ऑब्जेक्ट की तरह बनाना है, तो हम इसको बनाते हैं इनपुट इनपुट स्ट्रीम रीडर। और यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लेते हैं, ए ले लिए, हम कोई और भी ले सकते हैं जैसा चाहे। अब न्यू देना पड़ेगा, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसमें सिस्टम डॉट इन, ये लिखने के बाद बफर्ड रीडर, यहां पर एक दूसरा वेरिएबल लेंगे बीबी, और उसमें ये जो वेरिएबल लिए हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर का ए उसको स्टोर करेंगे ऑब्जेक्ट लेके। न्यू न्यू बफर्ड रीडर, और उसके बाद ब्रैकेट में ये ए अब हम लोग ले सकते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, इंटर फर्स्ट नंबर, अब इस फर्स्ट नंबर के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग S1
is equal to BB dot read line, और इसमें हम लोग ये स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग को फिर इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंट ये हम लोग को ये के एस वन लिए थे, इंट ए इज इक्वल टू इंटीजर डॉट इंट और उसके बाद एस वन, ये एक ले लिए। अब दूसरे के लिए फिर हमको यहां से कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल भी यहां पर सेकंड कर देंगे, और यहां पर हम लोग एस टू कर देते हैं, और यहां पर बी, और यहां पर एस टू। अब दोनों को जोड़ देते हैं, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब सिस्टम आउट प्रिंट एलन, डॉट एडिशन इज इक्वल टू प्लस सी। तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम, इसको कंपाइल कराते हैं, कोई एरर नहीं है, तो इसको हम लोग इसको, तो अब हमको यूजर से पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर यहां पर देना है, तो हम कुछ भी दे देते हैं 20, और सेकेंड नंबर को 30 दे देते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं एडिशन इज इक्वल टू 50। तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। थैंक यू।